ठीक है सो जस्ट टू गिव यू ऑल अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ आई एम शिवांगी अगरवाल क्वालिफाइड एक्चुअली आई रिसेंटली क्वालिफाइड इन डिसम्बर ट्वेंटी थ्री एंड आई हैव बिन टीचिंग सिंस आई थिंक सिक्स ईयर फाइव एंड हाफ टू सिक्स ईयर आई स्टार्टड टीचिंग विथ एसेट तो जो आई एस स्टूडेंट है वो उनको एसेट देना पड़ता है बेसिक मैथ स्टार्ट इंग्लिश एंड देन अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन में वी हैड एक्सेल एंड आर प्रोग्रामिंग जो आप लोग पेपर बी देते हो तो वो तब इंट्रोड्यूस हुआ था एंड बिकॉज आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर बी बी ए एक्सएल इन माई कॉलेज इट सेल्फ विच वॉज अनकॉमन उस समय मेरे साथ के जो फ्रेंड्स uh, थे हमारे वी वर ओनली अ फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिज कोर्सेज सो सिंस आई वॉज अवेयर ऑफ दिज कोर्सेस आई स्टार्ट टीचिंग एक्सेल एंड आर प्रोग्रामिंग ठीक है सो सिंस देन आई एम टीचिंग पेपर बी ऑफ ऑल द पेपर्स जो चारेपर है अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टीचिंग सी एस टू आई एम टीचिंग सीपी टू सी पी थ्री जो आप लोग आगे जाके करोगे एंड सी बी टू विच इज बिजनेस इकोनॉमिको बाकी एस पी फाइव एंड ऑल दो इन्वेस्टमेंट पेपर सो आप लोग के साथ आई बी इन टच विद पेपर बी इन ऑल द फोर सी एम एंड सी एस पेपर्स सी बी टू में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सी एस टू सो दीज आर माई मेजर

राइट सी एस वन सी एस टू जहां हम लोग प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसके अ पार्ट ऑफ दैट बेसिक लेवल हमें सी एम वन में भी चाहिए सो फॉर दैट एंड ऑल्सो एसेट सो अक्रॉस ऑल द एक्चुअल पेपर्स, एवरीवेयर यू नीड बेसिक स्टेटस्टिक्स राइट सो लेट स्टार्ट आई एल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डे आप लोग को क्विक आप लोग को नोट्स बनाने थोड़े बहुत बना सकते हो अदरवाइज ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग बेसिक खुद का रनिंग नोट्स बना सकते हो इन क्लास आई विल नॉट बी टेलिंग यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस यू आर नो लॉन्गर इन स्कूल एनी मोर यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड यू नीड टू गो विद द फ्लो जो आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना ऑल राइट right? ठीक है इज माई बोर्ड विजिबल वॉट एवर इज रिटर्न इज विजिबल टू यूर ठीक है लेट स्टार्ट सो देर आर डिफरेंट टाइप्स तुम लोग को विजिबल है सबको विजिबल है ठीक है सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वी जनरली से टू मेजर टाइप्स इज न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल डेटा क्या हो गया नंबर्स जहां नंबर दिखे वो हो गया न्यूमेरिकल डेटा एनीथिंग विच इज नॉट अ नंबर बिकम्स कैटेगोरिकल ठीक है तो दिस इज द नेम आप लोग बोलोगे टेक्स्ट वर्ड नहीं हम लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल दिस इज अ गुड नेम दैट यू गिव टू एनी डेटा विच इज नॉट नंबर राइट वेन आई सी एनी डेटा विच इज नॉट नंबर इट कैन बी एनी थिंग डजन ऑलवेज मीन इट नीन्स टू बी अ वर्ड राइट एंड इन केस ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये लेके करेंगे ठीक है अब आप लोग क्या अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू नंबर ऑफ क्लेम्स ठीक है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई नंबर ऑफ क्लेम्स किसी आप किसके घर में कार्स हैं योर हैंड्स कार्स हैं या फिर बाइक्स होंगे ठीक है या फिर लेट्स सपोज आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है ठीक है या लेट्स सपोज हेल्थ इंश्योरेंस लिया है ठीक है तो या फिर फॉर एग्जांपल आपने अपना फोन खरीदा उसका आपने इंश्योरेंस लिया ठीक है तो आप क्या करते हो फोन अगर डैमेज होगा तो आप उसका क्या करोगे फोन डैमेज होने पर आप क्लेम करते हैं राइट सो नंबर ऑफ क्लेम्स एक इंसान से जनरेट हो रहा है ओवर द इयर्स हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं नंबर ऑफ क्लेम्स वन क्लेम टू क्लेम थ्री क्लेम कैन देर बी वन पॉइंट फाइव क्लेम्स नो कैन देर बी टू पॉइंट फाइव क्लेम्स नो सो डिस्क्रीट डिस्क्रीट डेटा मतलब यू हैव इंटीजर्स यू हैव इंटीजर्स जैसे नंबर ऑफ क्लेम्स राइट नंबर ऑफ एग्जाम्स

तो जीरो वन टू थ्री हो गया हमारा डिस्क्रीट इट कैन ऑल्सो भी नेगेटिव तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर भी हम सम काइंड ऑफ डेटा जो नेगेटिव हो सकता है वो आपका डिस्क्रीट डेटा आ गया नो लेट्स सपोज आई से क्लेम अमाउंट मैंने क्लेम किया और फिफ्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी पॉइंट टू तो ये जो मैंने इतना पूरा क्लेम अमाउंट किया ये क्लेम अमाउंट नॉट बी ऑलवेज अ इंटीजर इट कैन बी एनी नंबर है ना सपोज इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन जीरो एंड टेन थाउजेंड आई कैन मेक अ क्लेम बिटवीन जीरो एंड टेन थाउजेंड एनी नंबर सो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस डेटा ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंटिन्यूस डेटा फर्स्ट से सपोज आपका मार्क्स ठीक है मार्क्स ओपटेन्ड जनरली क्या होता है मार्क्स हम लोग को राउंड ऑफ करके मिलता है बट अगर आप राउंड ऑफ नहीं करो तो 85.4 85.6 इट कैन बी एनी नंबर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नंबर डेटा कैन बी डिड इन डेटा एंड डेटा ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगोरिकल डेटा एनी अदर डेटा सेट विच यू कैन कम अक्रॉस एनी न्यूमेरिकल डेटा जो इन दोनों में नहीं फॉल करे ऐसा आप लोग इमेजिन कर सकते हो यूजअली नहीं सारे डेटा इसमें आ गए या तो डिस्क्रीट हो गया या कंटेनस हो गया अपार्ट फ्रॉम दीज टू आप थर्ड कैटेगरी नहीं बना सकते वो इसी में आ जाएगा कहीं ना कहीं या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा या स्पेशल केस ऑफ दिस या स्पेशल केस ऑफ दिस ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगोरिकल नाउ कैटेगोरिकल डेटा का क्या मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट अ नंबर योर नेम जेंडर विथ स्कूल यू स्टडी इन योर हाइट ठीक है तो लेट्स ए सपोज नहीं योर हाइट नहीं हाइट अगेन बिकम्स अ नंबर न्यूमेरिकल डेटा सो कैटेगोरिकल में हम यूजली ना इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज योर एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट इज जनरली टू कैटेगरीज ठीक है हम लोग डायकोटमस डेटा भी इसको बोलते हैं द वर्ड डाय मीन्स टू ठीक है इसको हम डाइकोटोमिस डेटा भी बोलते हैं तो ये हो गया जैसे मेल फीमेल यस नो ट्रू फॉल्स ठीक है दिस बिकम्स योर डायकेटमस डेटा आजकल मेल फीमेल अदर्स भी लिखना नेसेसरी हो गया इन द फॉर्म इन एनी फॉर्म दैट यू फिल पहले नहीं होता था अभी इट हैज बिकम नेसेसरी सो डायटोमस डेटा मीन्स टू इट इट कैन ओनली टेक टू वैल्यूज मेल फीमेल येस नो ट्रू फॉल्स राइट एक दो से ज्यादा जो वैल्यू लेंगे वो आ जाएगा नॉमिनल में एंड ऑर्डिनल में नॉमिनल इज समथिंग विच यू कैन नॉट रैंक फॉर एग्जाम्पल अगेन आप लोग बोल सकते हो कि एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दीज टू लेट्स सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल नॉमिनल का मीनिंग हो गया uh, आप फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर ब्राउन ब्लैक ग्रे पिंक रेड ऐसे अलग अलग हेयर कलर्स आ गए तो क्या आप रैंक कर सकते हो सबसे ऊपर ब्लैक है ब्राउन है आप रैंक किस बेसिस पे रैंक करोगे किस बेसिस पे ऑर्डर करोगे देर इज नो बेसिस ऑफ ऑर्डरिंग राइट यस ऑन नो कैन यू रैंक मेल एंड फीमेल यू कैन नॉट मेल फीमेल फॉर एग्जाम्पल तो आप रैंक कर सकते हो नहीं कोई भी डेटा जिसको आप रैंक नहीं कर सकते हो इज योर नॉमिनल डेटा सेट ठीक है एनी डेटा विच यू कैन रैंक फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल एक्सेस तो ये सारे क्या हो गए ऑर्डिनल डेटा जिसको आप रैंक कर सकते हो राइट एनीथिंग विच कैन बी ऑर्डर्ड और गिवन अ रैंक इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा तो वर्ड याद रखो जिसको ऑर्डर कर सकते हैं इज ऑर्डिनल जिसको ऑर्डर नहीं कर सकते इज नॉमिनल ठीक है सिंपल एट्रीब्यूट कैन अगेन फॉल इन टू दीस टू राइट लाइक मेल फीमेल विल ऑब्वियसली गो इन नॉमिनल यू कैनोट रैंक देम ठीक है अंडरस्टूड सो दिस इज हाउ यू डिवाइड डिड कैटेगोरिकल डेटा क्लियर एनी डाउट एनी डेटा विच यू कैन कम अक्रॉस विच इज नॉट फॉलो इन दीज थ्री कैटेगरीज एनी डेटा नहीं फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्लेम्स मोटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस तो ये क्या हो गया uh, अलग अलग फायर इंश्योरेंस अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हो गए यू कैनॉट रैंक देम तो कहां जाएगा नॉमिनल ठीक है येस टेल मी बोलो कोई कुछ बोल रहा था नाउ लेट्स लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट दीज डेटाट्स सो डिफरेंट डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट मैनर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू लेट्स स्टार्ट विद द हम लोग यूजली नंबर्स में ही डील करते हैं बट अगर हम लोग को नंबर्स या फिर हम लोग को कैटेगोरिकल डेटा रिप्रेजेंट कराना है वैन ऐसे नंबर्स या तो हम लोग को डिस्क्रीट नंबर या हम लोग को कैटेगोरिकल डेटा को प्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे लेट्स सपोज कैन ऑल सी दिस लाइन ये वाला लाइन दिख रहा है आप लोगों को जहां पे मैंने ऐसे नंबर्स लिखे हुए फोर टू जीरो थ्री मान लो कि ये डिफरेंट क्लेम नंबर्स हैं जो यहां बैठे सारे लोगों ने किया है आई हैव मेड फोर क्लेम्स शी हैज मेड टू क्लेम्स ही हैज मेड जीरो क्लेम इन लास्ट ईयर सो लेट्स सपोज आर द नंबर ऑफ क्लेम्स दैट वी हैव मेड इंडिविजुअल्स लास्ट ईयर अब मेरे को इसको क्योंकि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में बहुत ही वियर्ड लगेगा अब मुझे पता करना है कि कितने लोगों ने तीन क्लेम करा कितने लोगों ने दो क्लेम करा सो इट बिकम्स डिफिकल्ट राइट तो इसको हम लोग एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे जीरो कितने लोगों ने किया देखो वन टू कैन यू सी एनीथिंग एल्स नहीं तो जीरो क्लेम्स कितने लोगों ने किया दो लोगों ने किया वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है वन क्लेम कितने लोगों ने किया फाइव सो दिस वे आपने समराइज कर दिया अपने डेटा को जो बहुत ही फिजली दिया हुआ था एक सिंगल लाइन में अगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिराइव एनी मीनिंग आउट ऑफ दिस डेटा सेट बट डेफिनेटली यू कैन डिराइव मीनिंग फ्रॉम दिस डेटा आई कैन से कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कितने लोगों ने कितना क्लेम्स किया है टू ठीक है सब सबसे हाइएस्ट वी कैन सी कि आठ लोगों ने टू क्लेम्स किया सो वी कैन से दैट लास्ट योर मोस्ट लास्ट ईयर या फिर ये पर डे बेसिस पे इन्होंने डेटा दे रखा है यहाँ पे एक दिन पे सबसे ज्यादा हम मान सकते हैं दो क्लेम होता है क्लियर so, सो इस, इसको देख के इजीली आप समराइज कर सकते हो दिस इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वेरी वेरी सिंपल नाउ सेम थिंग आई कैन डू विथ सेम थिंग आई कैन डू विथ अम क्या, क्या है अच्छा वो वो वाला हाँ ठीक है तो ये जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल डेटा के लिए कर रहे हैं ना वैसे हम लोग कर सकते हैं लेट्स सपोज एनी कैटेगोरिकल डेटा ठीक है व्हाट्स योर फेवरेट कलर पांच लोगों से पूछते हैं ठीक है एक जन बोल रहे रेड एक जन बोल रहे ब्लू ब्लू आपको मैंने तीन चार ही ऑप्शन दिए हैं आजकल बहुत ऑप्शन है ना न्यन ऐसे सब रेड ब्लू येलो मैंने ऑप्शन दिया खाली तो ऐसे मुझे सबका अलग अलग मिल जाएगा ठीक है नाउ यू कैन मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल कि रेड कितने लोगों को पसंद है ब्लू एंड येलो ठीक है रेड कितना आ रहा है टू टू वन टोटल पांच लोगों से मैंने पूछ लिया अंडरस्टूड क्लियर है ठीक है सो यू कैन डू यू कैन मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर अ कैटेगोरिकल डेटा एज वेल राइट अंडरस्टूड ठीक है नेक्स्ट सी डिस्ट्रीब्यूशनर फॉर्म है बट यहाँ क्या होता है ना यूजली सपोज में अमाउंट ऑफ क्लेम आपने कितना किया ठीक है अब कोई बोलेगा मैंने किया फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी रुपीज कोई आके बोलता है मैंने किया फिफ्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड कोई बोलता है मैंने किया फिफ्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इतने सारे नंबर्स आ जाएंगे सबके बगल में आपको एक फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा हो सकता है एक ऐसा यूनिक नंबर हो को, जो वो को, एक ही स्पेसिफिक इंसान उस क्लेम को कर रहा हो है ना तो इसीलिए हम लोग ग्रुप कर देंगे हम लोग कैसा ग्रुप बनाएंगे 55,000 से 56,000 का जो रेंज है उसमें कितने लोग फॉल करें 56,000 से 57,000 तक कितने लोग है? वो उस ग्रुप में फॉल करें सो नाउ इट बिकम्स इजी और ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना इतने वर्ड्स और इतने अलग अलग चीजें ये सब हमारा लाइफ इजी बनाने के लिए यू नो सो व्हेन यू गो एंड प्रेजेंट एनीथिंग आप ऑब्वियसली ये डेटा अगर अपने क्लाइंट को अपने मैनेजर को दिखाओगे वो आपको निकाल देगा बट अगर आप वही उसको ऐसे दिखाओगे और आप फैंसी टर्म्स यूज करोगे आप उसको बोलोगे कि देखो दिस इज द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी पीपल आर यू नो इसमें वो क्लेम कर रहे हैं सो दैट इज हाउ इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन सो यू नीड टू लर्न कौन सा डेटा कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इट्स ऑल अबाउट दैट ठीक है तो यहां पे हमने क्या किया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया हमने ग्रुप्स बना दिया फॉर एग्जाम्पल कैन यू ऑल सी दिस रो जहां नंबर्स लिखे हुए हैं अब क्योंकि इतने सारे नंबर्स हैं एंड इतने स्पेसिफिक है 72, 73, सेवनटी थ्री आई डोंट वॉन्ट द स्पेसिफिकेशन आई जस्ट वन सेवनटी से 75 के बीच में कितने नंबर्स आई जस्ट वन सेवनटी फाइव से 80 के बीच में कितने नंबर एंड दैट इज हाउ वॉट वी आर डूइंग देख लो 40 से 49 नाइन देर इज ओनली वन फिफ्टी से अब एक इसमें कैच है मैंने यहाँ पे 49 लिखा है एंड यहाँ पे क्या लिखा है 50 ताकि अगर आप यहाँ पे लिखते 40 से फिफ्टी और वापस यहां लिखते हैं फिफ्टी टू सिक्सटी तो फिफ्टी दो बार आ जाता तो फिफ्टी को किस में डाले है ना ये एक तरीका है लिखने का एक और तरीका हम लोग यूज करते हैं देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसे फिफ्ट फोर्टी या फिर ऐसे इसमें क्या हो रहा है समझो इसमें क्या हो रहा है ये होता है लेस देन साइन ये है लेस देन इक्वल टू साइन अब अगर किसी ने 50 का क्लेम किया तो आप इसको किस में डालोगे फर्स्ट ग्रुप में कि सेकेंड ग्रुप में सेकेंड ग्रुप में किसी ने अगर 49.9999 का क्लेम किया किस में डालोगे फर्स्ट ग्रुप में अंडरस्टूड द डिफरेंस सो वी कैन ऑल्सो राइट इट दैट वे और वी कैन दिस इज जनरली फॉर द डिस्क्रीट डेटा जहां पॉइंट नाइन 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 वाला केस नहीं आता तो हमें क्लियरली पता है दैट इज नथिंग एज़ 49.5 कमिंग इन देयर इज नथिंग एज़ 49.9 कमिंग इन सो यू कैन कीप इट टिल 49 बट व्हेन यू हैव अ कंटीन्यूअस डेटा व्हिच कैन बी 49.999 सो यू नीड टू रिप्रेजेंट इट दिस वे बट इफ इट्स अ डिस्क्रीट वी कैन डू इट दिस वे क्लियर अंडरस्टूड द डिफरेंस वहां आप डिस्क्रीट भी कर सकते हो कंटेन्यूस भी कर सकते हो बट यहां आप कंटेनर्स नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आप फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव कहाँ डालोगे वो ना ही सेकेंड में आएगा ना ही फर्स्ट में जाएगा अंडरस्टूड अंडरस्टूड ठीक है तो यहाँ इसीलिए हमने क्या लिखा है कि हम यूजली इसको किसके लिए करते हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए बट सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग कंटेन के लिए भी कर सकते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इसको क्या बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि आपने ग्रुप कर दिया ऑल राइट right? ठीक है नेक्स्ट ग्रुप्ड के बाद हम लोग क्यूमुलेटिव कर सकते हैं क्यूमुलेटिव एज एन मेरे को पता लगाना है कि फिफ्टी नाइन तक कितने वैल्यूज थे तो हम लोग क्या करेंगे ये आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल था जो हमने अभी देखा अब हम लोग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे वी जस्ट ऐड अप द नंबर्स सपोज इफ आई एम सेइंग 40 से 59 तक वन है 50 से 59 तक टू है 2 तो 59 तक 59 तक कितने हो गए वन प्लस टू थ्री हो गए वेरी सिंपल ठीक है सिमिलरली इफ आई से कि 69 तक कितने हैं ये है आपका 60 से 69 के बीच में 69 तक कितने हो गए यहां आपका आया था थ्री सो थ्री प्लस फाइव यू जस्ट कीप एडिंग ठीक है सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस अप टू फोर्टी नाइन देर इज वन अप टू फिफ्टी नाइन देर इज वन प्लस टू थ्री अप टू सिक्सटी नाइन देर इज जस्ट एड ऑल दिस एट क्लियर वेरी सिंपल ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जहां आप क्यूमेशन क्यूमलेटिव वैल्यूज निकाल रहे हो रादर देन इंडिविजुअल तो अगर हम लोग को निकालना है लेट्स सपोज यहां 15 गिवन ये टेबल आपको गिवन है खाली क्या आप इस टेबल से ये टेबल निकाल सकते हो वेरी इजी अगर आपको ये टेबल गिवन है तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे देखो हम लोग ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहां हम लोग बोलेंगे फोर्टी से फोर्टी के बीच में तो वन ही है फिफ्टी से फिफ्टी नाइन के बीच में थ्री माइनस वन टू है ना थ्री क्या था फिफ्टी नाइन था तक और फोर्टी नाइन तक कितना था वन तो फिफ्टी और फोर्टी नाइन के बीच में कितना हुआ? फिफ्टी नाइन तक थ्री है, है तो यहां पे करके देख लो योग वन यो 2. नाइन तक एट है फिफ्टी नाइन तक थ्री है तो एट माइनस थ्री फाइव कैन यू ऑल टेक आउट फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम अ क्यूमलेटिव टेबल राइट ये क्या हो जाएगा फिफ्टीन माइनस एट सेवन और ये हो जाएगा ठीक है अंडरस्टूड सो इफ यू हैव फ्रीक्वेंसी टेबल यू कैन टेकआउट क्यूमलेटिव फ्रिकवेंसी इफ यू हैव क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी यू कैन टेकआउट फ्रीक्वेंसी वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई फ्री क्यूमुलेटिव एड करते जाओ ठीक है अंडरस्टूड अब हम लोग जैसे अभी टेबल्स पढ़ा ना तो बहुत बार क्या होता है टेबल्स बहुत बोरिंग हो जाते हैं सो so, कुछ ड्रॉइंग डायग्राम्स होते हैं तो वो अच्छा लगता है दिखने में सो दैट इज वाई वी हैव डिफरेंट चार्ट और ग्राफ्स दैट एंड नाउ वर्ट इज यू हैव लॉट ऑफ टूल्स एक्सेल बींग वेरी बेसिक यू हैव आर प्रोग्रामिंग यू हैव पावर बी आई यू हैव पाइथन यू हैव डिफरेंट टूल्स वेट यू कैन मेक दीज चार्टीज डिफरेंट टेबल्स ठीक है इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ऑन पेन एंड पेपर मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम वेन आई मेड अ ग्राफ आई हेव जस्ट डन फॉर ईको अदर देन दैट आई डोंबर की मैंने कब ये सारे ग्राफ्स पेन पेपर पर बनाए थे बिकॉज आई मेक इट ऑन एक्सेल ऑब्वियसली ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विदेरी फर्स्ट विच इज द बार चार्ट बार चार्ट यूजली हम लोग अगेन दो चीजों के लिए करते हैं या तो डिस्क्रीट डेटा वॉट डू मीन बाई डिस्क्रीट डेटा क्यों नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते इंटीजर्स ठीक है क्या बोलोगे आप इंटीजर्स नॉट होल नंबर्स होल नंबर्स एन एग्जांपल इंटीजर्स होता है माइनस भी जा सकता है ठीक है ना उसके बाद माइनस uh, कब जा सकते लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कोई एग्जांपल आ रहा है आपके दिमाग में कि डिस्क्रीट डेटा माइनस हाँ माइनस मार्क्स तो मिलते नहीं आप लोगों को माइनस कब जा सकते हैं बताओ हाँ टेम्परेचर बट टेम्परेचर इज सम्यूस माइनस हो, तो हो सकता है, है तो यहाँ हम लोग डिस्क्रीट डेटा या फिर कैटेगोरिकल हमने फ्रीक्वेंसी टेबल क्या था सिमिलर टू दैट हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल यूज करके ही बार चार्ट बनाते हैं. तो जस्ट टू गिव यू ऑल अ बेसिक आइडिया ये मेरा एक्स एक्सिस एक्सिस ये आप लोगों को पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक सिंपल टू डी डायग्राम इसको टू बोलते हैं क्योंकि टू डायमेंशनल है ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थ्री डायमेंशनल भी होता है आप लोग पढ़ोगे अपने जोनी में एक बार थ्री डायमेंशनल भी तो यहां जैसे ये टू डायमेंशनल डेटा है हम लोग क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग को देखो डिफरेंट क्लेम टाइप्स गिवन है हम लोग को गिवन है हाउस क्लेम्स कितने थे हाउस थेफ्ट कितने हुए हैं हाउस फायर कितने हुए कार एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं कार थे कितने हुए ये हम लोग को दिया हुआ आई नीड टू रिप्रेजेंट इट तो हाउ विल आई डू पे मैं लिख देती हूँ लेट्स सपोज हाउस फायर कितना हुआ है फोर्टी एट सो ये मेरा हो जाएगा इधर फोर्टी एट सिमिलरली हाउस थेफ्ट तो एक हाउस थेफ्ट का बना देंगे हाउस थेफ्ट हो जाएगा आपका 57 सेवन so, सो ऐसे कर करके यू विज आर फोर डिस्टिंग बी अ गैप बिटवीन दीज बार्स बिकॉज दीज आर यूनिक डिस्टिंक्ट बार्स द हाइट ऑफ द बार टेल्स यू द फ्रीक्वेंसी एंड ईच बार डेनोस द टाइप ऑफ द क्लेम अंडरस्टूड देखो ये मेरा हैंड राइटिंग इतना गंदा नहीं मैंने बनाया अच्छे से नीचे ठीक है हाउस फायर हाउस मेड इट एंड आर द डिफरेंट बार्स ईच बार रिप्रेजेंट व फ्रीक्वेंसी एनी चार्ट विदाउट द लेबल्स लेबल्स क्या होता है जैसे मैंने इसको लेबल मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा वाई एक्सेस को ठीक है एक्स एक्सिस को लिख देंगे टाइप ऑफ क्लेम सो एनी चार्ट विदलिंग इज कंसिडर्ड यूजलेस अगर मैं ये चार्ट विदाउट लेबलिंग किसी को ऐसी दे दू तो इसे क्या सोचेगा क्या बना के दिया नाउ यू कैन सी अच्छा ये टाइप ऑफ क्लेम है ये फ्रीक्वेंसी है कि कितने लोगों ने हाउस फायर को क्लेम किया कितने लोगों ने हाउस थेफ्ट क्लेम किया एंड ऑब्वियसली यू नीड टू गिव अल ऊपर में सो एनी चार्ट इट्स नॉट ओनली मैं पेन पेपर का बात नहीं कर रही हूं मैं बोल रही हूं जब आप एक्सएल पे बनाओगे जब आप आर पे बनाओगे यू नीड टू हैव दिसको अच्छे से उसको लेबल करना है एंड इफ यू डोंबल दिस चार्ट इज यूजलेस यू गेट अ जीरो डजेंट मेक एनी सेंस राइट एनीथिंग विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर इज यूजलेस तो आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस अच्छे से लेबल करना है एंड यू नीड टू गिव अड इच बार इज डिस्टिंग There is a gap between the bar, although the gap between the bar does not signify anything, ठीक है। But ये जो हर एक bar है, खाली वो signify कर रहा है कि वो कौन सा type of claim है and उसका क्या frequency है। Got it? Understood? ठीक है। So you can similarly do it for a न्यूमेरिकल डेटा ऊपर जो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था ना, ये वाला क्लेम्स पर डे आप इसका भी चार्ट बना सकते हो कैसे बनाओगे बहुत ही सिंपल है यहाँ पे आपने जीरो क्लेम्स है जीरो क्लेम्स कितने आ रहे हैं टू यहां जीरो लिख दिया फिर वन के कितने हैं फाइव तो यहाँ वन लिख दिया फिर टू के कितने एट फिर अगेन सिक्स तो ऐसे करके आप इंडिविजुअल बार्स बना सकते हो ये हो गया आपका टू क्लेम्स ये हो गया आपका थ्री क्लेम्स एंड ये हो गया अगेन आपका फ्रीक्वेंसी सेम थिंग बार चार्ट कैन बी डन फॉर अ कैटेगोरिकल डेटा एंड अरिक्रीट डेटा लेट्स टॉक अबाउट यूजली वील डील विथ नंबर्स कैटेगोरिकल डेटा का उतना वैल्यू नहीं है ऑल दो कैटेगोरिकल डेटा का बहुत यूज है बट यहाँ पे हम लोग खाली न्यूमेरिकल का बात करेंगे तो हम लोग जो अदर साइड है विच इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूस को बार्स में कैसे दिखाओगे अब मैं बोल रही हूं कि आई वॉन्ट योर एज टू एग्जैक्ट डे अब जैसे आपसे कोई आपका एज पूछते तो आप क्या बोलते हो वॉट योर एज सेवनटीन मतलब तुमने लास्ट बर्थडे पे जब केक काटा था तुम्हारा तो सेवनटीन्थ बर्थडे था राइट तो यूजअली हम लोग अपना लास्ट बर्थडे बताते हैं अब इसका बर्थडे अगर कल है ना तो भी ये सेवनटीन ही बोलेगा अब कल जब ये केक काट लेगा तभी बोलेगा है ना ऐसे करते हैं तुम ठीक है तो यूजली बट यहाँ हम लोग क्या करेंगे तो मुझे चाहिए तुम 17, तुम बताओ कितने दैट बिकम्स अंटिन्यूस डेटा सो इफ यू आर इफ फॉर एग्जाम्पल आई हैव हंड्रेड स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग हर एक का एज टू तो कितने सारे बार्स बनेंगे है ना अब ये बार्स बहुत ही वियर्ड लगेंगे तो हम लोग इसीलिए क्या बनाते हैं हिस्टोग्राम विच इज अ अंटिन्यूस डेटा ठीक है तो हमें पता है कि सपोज लेवेंटीन से 18 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं 18 से 19 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं 19 टू तो 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं वी आर आस्किंग दैट एंड वी आर मेकिंग ओ तो ये क्या बनाया है? मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बनाया और ग्रुप फ्रीक्वेंसी हम यूजली किसके लिए कर, करते हैं कंटेनर्स डेटा के लिए और कंटेन डेटा के लिए हम लोग क्या बनाते हैं हिस्टोग्राम वेन इट्स देर इज नो गैप बिटवीन द बार्स ठीक है अब हम लोग यहाँ क्लेम अमाउंट का एग्जाम्पल दिया मैंने सो जीरो से फाइव हंड्रेड के बीच में देर आर हाउ मेनी क्लेम्स सिक्स क्लेम्स फाइव हंड्रेड से थाउजेंड के बीच में देर आर लेट्स सपोज टेन क्लेम्स तो यहां देखो ये यह वाला ग्राफ एक बार समझ लो क्विकली ये वाला हो गया आपका जीरो से फाइव हंड्रेड ठीक है सो जीरो से फाइव हंड्रेड के बीच में फाइव हंड्रेड से थाउजेंड के बीच में थाउजेंड से सोन ठीक है तो ये आपके डिफरेंट क्लेम अमाउंट हो गए एंड ये कंटिन्यूस क्यू है देर इज नो गैप बिकॉज मैंने यहाँ पे थाउजेंड बनाया है और नेक्स्ट वाला भी मुझे थाउजेंड से ही स्टार्ट करना है सो आई कैनोट कीप अ गैप बिटवीन दैट अंडरस्टूड सो दिस इज अ ग्राफ वेर यू डोंट सी एनी बार्स इज नोन एज अ हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम इज यूज फॉर अ कंटेनर्स डेटा सेट देख लो इसमें कोई डाउट है तो पूछो क्लियर हर एक बार का विथ कितना है हाँ टेल मी फ्रीक्वेंसी ऑफ इधर पे जाएगा अच्छा नहीं ये दोनों में इक्वल टू डाल रखे क्या मैं बता रही हूँ इसका मीनिंग कंटिन्यूस डेटा में ना जो हम लोग और आगे जाएंगे हम लोग देखते हैं कि हम एक सिंगल नंबर का फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते सो व्हेन आई से व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 इन अ कंटिन्यूस डेटा सेट यूज़ुअली हम लोग वो निकाल नहीं सकते बिकॉज वी आर डीलिंग विथ कंटिन्यूस डेटा तो एग्जैक्ट फाइव का हम लोग यूजअली नहीं निकालते वी कंसिडर इट जीरो क्योंकि अगर हम लोग पूरा न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन यूज करके सॉल्व करेंगे तो नहीं निकाल निकालते बट अगेन आंसरिंग योर क्वेश्चन इन दिस केस अगर हम लोग ले तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं इसको भी बट आइडियली यहां पे आप ऐसे इक्वल टू नहीं नहीं भी दोगे लेस देन दोगे तो आप ये वाला कंसिडर कर सकते हो हमने क्यों इक्वल टू दोनों तरफ में दिया है रीजन बिंग दिस इज अ कंटेन्यूस डेटा एंड कंटेन्यूस डेटा का जब भी बात होता है हम लोग एकदम पॉइंट्स में बात करते हैं तो एग्जैक्ट 500 बोल के कुछ नहीं होता देर इज ऑलवेज अ रेंज फॉर विच यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी देर इज नो सिंगल नंबर फॉर विच यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ अ कंटिन्यूस डेटा सेट ये थोड़ा हाई लेवल हो गया हम लोग बाद में पढ़ेंगे टुवर्ड द लेटर क्लासेस बट अभी के लिए इतना खाली ध्यान रखो हम लोग निकालते हैं ऐसा नहीं कि इट्स नॉट पॉसिबल वी हैव फंक्शंस फॉर इट जिसे यूज करके हम लोग एग्जैक्ट नंबर पे डिस्ट्रीब्यू पीडीएफ निकालते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इट्स पॉसिबल बट प्रैक्टिकली नहीं होता है ठीक है देन इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव हंड्रेड देर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग कंटेन्यूस कंटेन्यूस का मीनिंग ही क्या है इट कैन टेक एन नंबर इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन फाइव एंड फाइव सो एक सिंगल नंबर पे उसका फ्रीक्वेंसी निकालना डजेंट मेक एनी सेंस गोट इट बोलो तब इस केस में फिर ऐसे बनाओगे जीरो मतलब जीरो टू एक्स और यहां पे लेस देन तो यहां पे लाइक करेगा फाइव हंड्रेड फिर ठीक है बट अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो ना लेस देन इक्वल टू वो गलत नहीं है जैसे मैंने बोला कि सिंगल नंबर 500 का फ्रीक्वेंसी हम लोग यूजली नहीं निकालते इन कंटिन्यूस डेटा ऑल राइट देर इज नो पॉइंट जब मैं बोल रही हूँ एनी नंबर इज पॉसिबल बिटवीन 500 हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड वन तो मैं क्यों आपसे पूछूंगी फ्रीक्वेंसी बताओ फाइव हंड्रेड का डज इन मे एनी सेंस राइट हम लोग जब बात करते हैं क्लेम अमाउंट का भी तो कोई आपसे आके ये नहीं पूछेगा बताओ एग्जैक्टली फिफ्टी थाउजेंड के कितने क्लेम्स आए थे उसको क्या मतलब है वो ये पूछ सकता है बताओ फिफ्टी थाउजेंड से सिक्सटी थाउजेंड के बीच में कितने क्लेम्स आए थे यस yes? ठीक है दी रीजन है एंड सो यू मेक अ हिस्टोग्राम फॉर इट ईच ऑफ ईच बार इज हाउ मच फाइव हंड्रेड यस फाइव हंड्रेड का है बट लेट्स सपोज यू हैव अ डेटा समथिंग लाइक दिस जहां पे आपका जो बार्स है वो अनईक्वल है लेट्स सपोज जीरो से फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड ऐसे आपका डेटा गिवन है तो यहाँ वाला जो बार है ये वाला ये देख रहा है ये मैंने लिखा है टू थाउजेंड से फोर थाउजेंड तो सारे बार्स कितने के हैं फाइव हंड्रेड के हैं इज इट फाइव हंड्रेड यस देख लो ऑल द बार्स आर ऑफ फाइव हंड्रेड एक्सेप्ट फॉर दिस इसका कितना गैप है टू थाउजेंड का है तो ये मैंने बार्स बनाया अगेन उट एनी गैप बिकॉज इट कंटिन्यूअस डेटा जीरो से फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड से थाउजेंड सो वन लास्ट वाला है टू थाउजेंड से फोर थाउजेंड एंड इसका वाइक्सिस हमने फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया ठीक है अब ये डेटा अगर किसी दूसरे को दिखाओगे तो वो देखते ही क्या बोलेगा सबसे ज्यादा क्लेम कहां से आ रहा है फोर थाउजेंड बोल सकते हैं क्यों क्योंकि उसका क्या सबसे बड़ा है एरिया सबसे बड़ा है इस बॉक्स का एरिया सबसे बड़ा है ना तो वो एक बार को देख के बोलेगा 2000 से 4000 के आपके पास ज्यादा क्लेम्स आ रहे हैं बट आइडियली आपका हो क्या आइडियली आपके पास जीरो से 500 500 से थाउजेंड uh, सबसे ज्यादा आपका आ रहा है आई थिंक 500 हंड्रेड टू थाउजेंड ये वाला सबसे ज्यादा है बट वो क्यों नहीं डिपेक्ट हो पा रहा बिकॉज उसका बार का इज स्मॉलर देन दैट टेशन नाउ इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस में गिव यू फॉल्स आइडिया दट ये जो ब्लास्ट वाला बार है उसका हाइएस्ट है तो इसको कैसे करेंगे से सुनना? इसको हम लोग सबसे पहले तो इसका विथ इसका जो विथ है उसको हम लोगों को कम करना चाहिए उसका जो विथ है शुड आल्सो टेक टू अकाउंट द हाइट मतलब इसका जो हाइट है सॉरी शुड टेक इनटू अकाउंट द विथ कि इसका विथ सबसे ज्यादा है तो इसका हाइट हम लोग कितना कर देंगे देखो अगर हम लोग बोले ये जो बार है दिस इज फोर टाइम्स फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड 500 का वो कितना है फोर तो टाइम्स से कम कर दें हा तो इसकी हाइट को मतलब सेवन सेवन बाय फोर कर दें एक बार सोचो कर सकते हैं तो इस फिर वो कुछ ऐसा दिखेगा देखो सेवन बाई फोर कितना होता है वन पॉइंट वन पॉइंट सेवन फाइव अब देख के क्या लग रहा है कुछ बेटर लग रहा है बट अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे एरिया ऑफ द बार्स यू आर सेइंग इज सिग्निफाइंग द फ्रीक्वेंसी यस बिकॉज फोर इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव इज हाउ मच सेवन सो फोर विच इज द विथ इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव विच इज द हाइट इज इक्वल टू सेवन विच इज योर फ्रीक्वेंसी बट इज दिसम फॉर ऑल द बार्स यू कैनॉट से दैट राइट यू कैनोट से दैट इज सेम क्योंकि आपने बनाया वैसा नहीं है करेक्ट है आपने बनाया वैसा नहीं है सो यू कैनोट से दैट फॉर तो ये जो अब

फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ठीक है कैसे निकालते हैं ये ना ये भूल जाओ मैं आप लोग को करके दिखाती हूं कि हम लोग कैसे करेंगे सो एरिया इज वॉट हाइट विथ इनटू हाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्लियर आपको क्या क्या गिवन है आपको विथ हाइट या आपका फ्रीक्वेंसी आपको विथ गिवन है हर एक बार का 500, 500, 500 लास्ट वाला 2000 का एंड आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप हाइट आपको कैलकुलेट करना है तो आप हाइट ऑफ द बार्स कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी बाय विथ करके आपको टेबल में क्या गिवन था आपको विथ गिवन था ना 500, 500, लास्ट वाला 2000। एंड आपको फ्रीक्वेंसी गिवन था ना तो अब आपको क्या नहीं गिवन है हाइट नहीं गिवन है तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे ऐसे निकाल सकते हैं वही यहाँ पे है हाइट इज फ्रीक्वेंसी बाय विथ अंडरस्टूड ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं एरिया ऑफ ईच बार सिग्निफाइज द फ्रीक्वेंसी दैट इज ओनली फॉर द लास्ट बार आई वॉन्ट टू मेक इट कंसिस्टेंट फॉर ऑल तो हम लोग क्या करेंगे एरिया इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एरिया इज योर विथ इन टू हाइट विथ इज गिवन विथ ऑफ द बार इज गिवन इन द क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन हाउ टू कैलकुलेट द हाइट फ्रीक्वेंसी बाय थ ठीक है हाइट आ जाएगा दैट हाइट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ठीक है एक न्यू वर्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्लियर देखो सेम डेटा है सेम डेटा का हमने यहां पे डेंसिटी निकाल लिया इसका क्या है विथ 500 है सो सिक्स डिवाइडेड बाय 500 कितना आ रहा है ठीक है इसका क्या किया हमने थाउजेंड डिवाइडेड टेन डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड इज द विथ यहाँ पे यहां पे टू थाउजेंड इज द विथ आर द फ्रीक्वेंसीज सो नाउ इफ यू मेक अ चार्ट आउट ऑफ दिस वो कुछ ऐसा लगेगा क्या हो गया आपके देखने में बार्स ऐसे ही हैं ऐसा ही दिख रहा है सेम है जस्ट दैट चेक योर वाई यूर वाय पे क्या है टू फोर सिक्स एट यहां पे देखो क्या है यहाँ पे आपका y वैल्यूज चेंज हो गया सो नाउ आई हैव रिटन वॉट डेंसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी नाउ यू कैन नॉट से दैट बिटवीन जीरो टू फाइव हंड्रेड देर वर जीरो पॉइंट जीरो वन टू क्लेम्स नो बिटवीन जीरो टू फाइव हंड्रेड हाउ मेनी क्लेम्स वे फाइव हंड्रेड इन टू जीरो पॉइंट जीरो वन टू दीज मेनी क्लेम्स एरिया रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी क्लियर, ठीक है इसको लिख लो अगर ये वाला पार्ट खाली लिखना है ना ये वाला ये लिख सकते हो ये जो मैंने इधर पे ये किया <coughs> डिस्क्रीट डेटा का हिस्टोग्राम नहीं होता है कोई मीनिंग नहीं है ना एंड एक चीज और जैसे मैंने इधर बोला था ना कि ये जो इक्वल टू है आइडियली ये होना चाहिए था ऐसे मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं सिर्फ लेस मतलब ग्रेटर देन uh, लेस देन ठीक है बट वो भी गलत नहीं मानते हम लेटर ऑन व्हेन वी पेपर्स you know, हम लोग वैसे बनाते हैं हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते गलत बिकॉज अगेन द लॉजिक आप जब कंटेन्यूस डेटा लेते हो तो आप सिंगल पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते हो तो डनी सेंस ठीक है बट अभी के लिए आप लोग ये कंसिडर करो जस्ट सो देट यू आर नॉट कन्फ्यूज एट दिस पॉइंट क्लियर अंडरस्ट कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि एक बार कुछ और रिप्रेजेंट करे एक कुछ और बट दिस इज करेक्ट ऑलडो दिस वॉज नॉट रॉन्ग बट ये एप्सोल्यूटली रोंग नहीं बोलेंगे इसको बट अगेन इससे लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड सो दैट इज वाई वेन यू आर मेकिंग अस्टोग्राम विथ अनुअल विथ इट्स यूजअली डन लाइक दिस वेर यू आर प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विच इज वॉट फ्रीक्वेंसी बाई क्लास विथ ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इज बहुत ही सिंपल स्टेम एंड लीफ डाइग्रम दिस इज अगर आपको आप हिस्टोग्राम से बोर हो गए हो तो आप ये कर सकते हो इट्स एंड ऑल्टरनेटिव फॉर हिस्टोग्राम ठीक है इट्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर हिस्टोग्राम बहुत ही फनी है आई हेव नॉट सीन अड ऑफ टाइम्स दिस बींग यूज ये हो सकता है जब कुछ एकदम ही हम फिनेंशियल डेटा यूज करते हैं कभी कभार तभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है स्टेम एंड लीव एक पेड़ है उसका स्टेम है उसके लीव्स हैं ठीक है दिस पार्ट इज योर स्टेम दिस पार्ट लाइन के आगे इज योर लीव्स ठीक है सो हाउ आर यू रिप्रेजेंटिंग दिस दिस इज योर नंबर सपोज आपको ये डेटा गिवन है दिस इज ले सपोज एज ऑफ डिफरेंट पॉलिसी होल्डर्स ठीक है ना तो अब हम लोग क्या करें लीव ये जो लाइन है इसके लेफ्ट साइड में हम लोग टेन्स लिख रहे हैं एंड ये मेरा यूनिट है सो टेंतलब वन इंटू टेन प्लस सेवन सेवनटीन नाइनटीन नाइनटीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी वन दैट हॉ यू आर रिप्रेजेंटिंग टा लाइक दिस स्टेम एंड लीव इसमें एक नीचे में मैंने देखो यहाँ पे लिखा है की मैंने की बनाया है की क्या है टू डैश फोर रिप्रेजेंट ट्वेंटी फोर ताकि अगर किसी को नहीं समझ में आए ना कि ये क्या चल रहा है ये क्या किया है इसने तो ये की देख के समझ में आ सकते हैं कि टू डैश फोर मतलब ट्वेंटी फोर है तो थ्री डैश जीरो थर्टी थ्री डैश वन थर्टी वन तो मुझे पता है अगेन कैन यू जस्ट लुक एट दिस एंड कैन यू से सबसे ज्यादा वैल्यूज किधर है ट्वेंटीज में है है ना कुछ तो मीनिंग बनना चाहिए ना वरना ऐसे ही थोड़ी टाइम पास के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो क्या मीनिंग बन रहा है सबसे ज्यादा ट्वेंटीज में है मेकिंग ठीक है आई हैव नॉट सीन लॉट ऑफ प्लेसेस वी प्रैक्टिकली यूज दिस बट समाइम्स थोड़ा वेराइटी एड करने के लिए क्या होता है जब हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं या कुछ हम जब अपने क्लाइंट को सबमिट करते हैं तो क्लाइंट कभी बोर ना हो जाए तो जस्ट टू ऐड वेराइटी टू आर डेटा ताकि उसको लगे कि हम इंटेलिजेंट हैं हम ये सब नई चीजें घुसा देते हैं बीच में तो वो जब देखता है ना अच्छा इसने कुछ अलग तरीके से इट एक्चुअली मेक्स सेंस यू नो आप लोग कम्युनिकेशन के पेपर्स मॉडलिंग के पेपर्स हम लोग आगे पढ़ते हैं सिंस आई टीच दो सो आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू रिप्रेजेंट समथिंग आपने किया बहुत कुछ है बट आप उसको समझा नहीं पा रहे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो वो आपके किए हुए का कोई वैल्यू नहीं है ठीक है अंडरस्टूड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्कस नाउ सो यू नीड टू प्रजेंट इट नाइसली अब यहां मैंने सपोज पॉइंट्स में है मेरे तो मैंने इसको कैसे लिख दिया टू मैंने क्या लिखा यहाँ पे की टू डे रिप्रेजेंट वर्ड सो बेसिकली कैन डू इट मल्टीपल वेज फॉर there was a अ नंबर लाइक दिस तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका मन आप ऐसे कर सकते हो ये एकदम आपका विषय तो आप लोग की में क्या बोलोगे क्या हो रहा है अब आप लोग की में क्या बोलोगे इधर गया गायब गायब नहीं इधर है हाँ तो आप लोग क्या बोलोगे फिफ्टीन नाइनटी फोर रिप्रेजेंट वन फाइव इट्स ऑन यू हाउ यू रिप्रेजेंट इट्स वेरी ओपन ऐसा नहीं कि एक इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना अंडरस्टूड इसको आप राउंड ऑफ करके भी कर सकते थे तो दैट्स योर स्टेम नेक्स्ट डॉट प्लॉट या फिर लाइन प्लॉट अगेन दिस इज समथिंग स्टिल विच इज यूज आगे जाके हम इसको एक और फैंसी नाम देते हैं स्कैटर प्लॉट विच इज फॉर कंटेन डेटा यहां यूजली हम अगेन दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यू कैन डू दिस यूजिंग लाइक इंस्टेड ऑफ अ हिस्टोग्राम यू कैन प्लॉट दिस हज वेल सो यू कैन यूज इट फॉर डिस्क्रीट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर कंटिन्यूस जनरली आई सी यूजिंग इट फॉर डिस्क्रीट डेटा सो फॉर एग्जाम्पल अगेन ये आपको डेटा पॉइंट गिवन है तो आप लोग ट्वेंटी के कितने वैल्यूज हैं जीरो ट्वेंटी वन के दर इज वन वैल्यू सो यू डी सी वन डॉट ट्वेंटी टू का नहीं ट्वेंटी थ्री का एक डॉट ट्वेंटी फोर के दो वैल्यूज हैं तो यहीं पे ऊपर दो डॉट डॉट बना दिया या क्रॉस बना दिया बॉक्स बना दिया एनीथिंग ठीक है ट्वेंटी फाइव के तीन है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन के दो सो अगेन सीइंग द चार्ट व्हाट कैन यू से हाईएस्ट नंबर किधर है ट्वेंटी फाइव में यू कैन आल्सो एक्चुअली चेक द शेप कैसे ज्यादा वैल्यूज किधर है इधर हम लोग नहीं बोल सकते बिकॉज इधर वी कैन सी ट्वेंटी फाइव के नीचे भी है ट्वेंटी है आई टॉक अबाउट द शेप वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द शेप शेप यूजिंग दिस इसका आगे जाके पढ़ेंगे वर्ड्स लाइक स्क्यूनस अभी नहीं पढ़ा रही हूँ मैं तो इसमें भी देख के हम लोग को पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा शेप है मतलब हाईएस्ट अगर टू के वैल्यूज है ना ट्वेंटी में है. तो उसके नीचे ऐसा नहीं कि की में कुछ नहीं है टेंस में भी कुछ है और थर्टीज में भी कुछ है बट अगर समथिंग लाइक दिस ऐसा होता यहां मैं और बना देती हूँ तो अब इसका शेप ऐसा लग रहा है डिक्रीजिंग शेप लग रहा है तो शेप भी हम लोग ये सब देख के बता सकते हैं सपोज इसको भी देख के आप शेप बता सकते हो ऐसा शेप है ठीक है ये सब हम लोग स्क्यूनेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा वॉट डू यू एक्चुअली मीन एंड वाई डू वी यूज शेप्स बार चार्ट में भी शेप पता चलता है है ठीक अलग-अलग चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं सो या सो दिस इज योर डॉट प्लॉट और लाइन प्लॉट क्लियर वेरी सिंपल ठीक है नेक्स्ट हाँ बोलो क्या डॉट प्लॉट आप दोनों का बना सकते हो यूजुअली डिस्क्रीट का बनाते हैं इफ दैट वाज योर क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन हमने पढ़ लिया था जस्ट हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सो लेट्स सपोज सेम डेटा यूज करे अब हम लोग बोल रहे हैं फाइव तक सिक्स क्लेम्स है उजेंड तक सिक्सटीन क्लेम्स है फिफ्टीन हंड्रेड तक ट्वेंटी फाइव क्लेम्स है सो so इसको कैसे बना रहे हैं देख लो ऑन द एक्स एक्सिस यू आर मेकिंग क्लेम अमाउंट ऑन द वाई एक्सिस क्यूमुलेटिव खाली फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते गलत हो जाएगा खाली फ्रीक्वेंसी लिखने का मतलब होगा कि फोर थाउजेंड के इतने क्लेम्स आ रहे हैं विच इज रॉन्ग ये हो गया आपका क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ये क्या हो गया क्लेम अमाउंट ठीक है अंडरस्टूड तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्चुअली में कैसे बना था ये जब मैंने बोला 500 के कितने सिक्स सो फाइव हंड्रेड के अराउंड इधर सिक्स 1000 के नीचे कितने सो आई मेक समथिंग लाइक दिस 1000 के सिक्सटीन फिफ्टीन हंड्रेड के समवेयर के समवेयर गोट इट या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाउ दिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक सम गेसेस फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है तो ही हमने इसे जोड़ दिया अब ये डिस्क्रीट होता तो अब इसे जोड़ नहीं सकते थे फॉर एग्जाम्पल आप एंड इट डज मेक एनी सेंस टू कैलकुलेट अमुलेटिव डेटा फॉर डिस्क्रीट समझ लो बात समझो अगर मैं बोलती हूँ क्या था आपका हाउस फायर हाउस विल इट मेक एनी सेंस टू कैलकुलेट अ क्यूमलेटिव ऑफ दिस सपोज टू क्लेम्स इसके थे फोर टू थ्री अब आपका क्यूमुलेटिव बनो टू सिक्स एट विल इट मेक एनी सेंस मैं बोल रही हूँ हाउस थे नीचे आप इसको ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे हो तो आप ये क्या बना दिया आपने तो क्यूमुलेटिव हम लोग कभी भी कैटेगोरिकल का तो बना ही नहीं सकते और क्यूमुलेटिव और किसका नहीं बना सकते हाँ डिस्क्रीट का भी नहीं कोई सेंस नहीं बनेगा उसका तो ये जो मैंने लाइन ज्वाइन किया है ये मैंने ऐसे रैंडमली नहीं ज्वाइन किया बिकॉज इट्स अ इट्स्यूअस डेटा देन ओनली आई हैव ज्वाइन द डॉट्स अंडरस्टूड सो व्हेन आई एम सेइंग कि 1000 से नीचे है मतलब कि 1000 के नीचे कोई भी वैल्यू 99.9999 पॉइंट एनी वैल्यू बिट बिलो 1000 कैन बी टेकन ओवर हियर बट ये चीज आप डिस्क्रीट डेटा के लिए नहीं कर सकते सॉरी सपोज मैंने नंबर ऑफ क्लेम्स ले लिया उधर पे क्या था टू क्लेम्स थ्री क्लेम्स फोर क्लेम्स तो उसका हम लोग बना सकते हैं वी कैल्कुलेट दूमुलेटिव तो ये बन सकता है बट आप उसको ऐसे जोड़ नहीं सकते गोट द पॉइंट अगेन अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इधर पे एनी रैंडमली टेकंग नाइनटीन हंड्रेड के नीचे कितने क्लेम्स थे तो आप क्या करोगे नाइनटीन हंड्रेड से ऐसे लाइन बनाओगे

मतलब ऐसे एकदम कंटिन्यूस लाइन नहीं बनता है आप क्या बोलते हो एक कंटिन्यूस लाइन नहीं बनता आप क्या बोलते हो कि 500 हंड्रेड का एक ही वैल्यू है तो ऐसे मतलब देर इज नो अपवर्ड मूविंग ठीक है तो ये हम लोग बाद में सीखेंगे वेन विल डू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर डिस्क्रीट ये याद रखना यू कैन ओनली मेक अ लाइन वेन इट्स अ कंटिन्यूस डिस्क्रीट में मेकिंग अ लाइन डजेंट मेक एनी सेंस यहां पे जो मैंने लिखा Understood? ये बार लिख लो दिस दिस इज समथिंग विच यू माइट गेट कन्फ्यूज इन ये लिख लो कहीं पे हम्म ठीक है देख लो <coughs> ठीक है लास्ट टाइप ऑफ डेटा दैट वील डू इज बॉक्स प्लॉट जिसको हम लोग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बोलते हैं तो ये आप लोग को एक बॉक्स दिख रहा है बीच में दिस इज द बॉक्स एंड बॉक्स के साइड में जो ये लाइन बनाया ना ये वाला दिस इज द विस्कर ठीक है तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बोलते हैं या बॉक्स प्लॉट भी बोलते हैं सो बेसिकली क्या होता है यू नीड टू नो फ्यू थिंग्स आपको एक ग्रुप ऑफ डेटा गिवेन है लेट सपोज एज ऑफ हंड्रेड पीपल इज गिवेन तो क्या आप उसमें से लोएस्ट एज निकाल सकते हो मैक्सिमम एज निकाल सकते हो निकाल सकते हो ना सौ लोगों का आपको एज बता दिया तो मीडियन हम लोग पढ़ेंगे मीडियन बाद में मीडियन निकाल सकते हैं अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल ये सब निकाल सकते हैं उसको लेके हम ये डेटा बनाते हैं ना ये प्लॉट बनाते हैं इस प्लॉट के बारे में आई टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज हमने अभी तक मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल ये सब नहीं सीखा है बट आइडियली यू कैन जस्ट नो दैट ये जो बॉक्स है दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स फिफ्टी परसेंट ऑफ द डेटा है टू द लोएस्ट वैल्यू एंड ये वाला जाता है टू द हाइस्ट वैल्यू अंडरस्टैंड ठीक है सो इसके बारे में दिस इज समथिंग, ये यूजअली कॉमन है ये हम लोग यूज करते हैं वेन यू आर कंपेरिंग टू सेट ऑफ डेटा तो उसका स्प्रेड शेप ये अलग अलग चीजें देखने के लिए हम लोग ये डेटा ये वाला प्लॉट करते है विच वील डू इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज अभी के लिए हमें ये सब निकालना नहीं आता ठीक है सो लेट्स डू इट टिल योर आई विल शेयर दिस पी डी एफ विथ योर प्लीज गो थ्रू दिस अभी के लिए आज का क्लास बहुत ही सिंपल लगा होगा बट स्टैट्स इज समथिंग विच इज नॉट ईजी टू टेक इन इन वन गो मैथ आप फिर भी कर सकते हो पर स्टैट इज समथिंग जो थोड़ा विजुअलाइजेशन पार जहाँ चाहिए होता है ठीक है अभी जैसे मैंने बोला कि कंटेन डेटा में एक सिंगल वैल्यू का फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर वेरी टेक्निकल तो बहुत बार क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाती हो सिंस आई एम टीचिंग सी एस वन सी एस टू आई टीचिंग सी एस टू विच इज द मतलब वो सबसे बड़ा स्टेटिस्टिक्स पेपर है आपके पूरे सिलेबस में सो आई कैन टेल यू

ठीक है और कुछ आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है जस्ट गो थ्रू द पी डी एफ चलो थैंक यू